बड़ी खबर आ गई है, बदायूं कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, बदायूं कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी अपडेट, बरेली से गिरफ्तार किया गया है जावेद को। एक आरोपी का तो एनकाउंटर कर दिया था यूपी पुलिस ने, जो दूसरा आरोपी था जावेद उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। और अभी ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बरेली से जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है, बदायूं कांड का ये दूसरा आरोपी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 25,000 का इनाम था और अभी इसे बरेली से गिरफ्तार किया गया है। बदायूं कांड का दूसरा आरोपी बरेली से गिरफ्तार हुआ है, 25,000 का इनाम था। आपको बता दें कि दो आरोपी थे जिसमें एक का तो एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन ये दूसरा लगातार फरार था, इसका सुराग नहीं मिल रहा था। घर वालों को कोई पता नहीं था, उनसे पूछने पर वो बता रहे थे कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला है। 25,000 का बदायूं कांड का दूसरा आरोपी बरेली से जावेद गिरफ्तार हो गया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बदायूं कांड जिसमें दो बच्चों की हत्या कर दी गई, तीसरा घायल है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी इसमें दो थे जिसमें एक आरोपी का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया था और दूसरा आरोपी उस हत्याकांड के बाद फरार था। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अभी उसे बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। अनूप, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया और किन हालातों में किया गया, अभी क्या अपडेट है, सब कुछ बताइए विस्तार से। देखिए आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मामला है। जावेद नाम का जो अपराधी है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम यूपी पुलिस ने रखा था और आखिरकार सैटेलाइट बस स्टैंड से इसको पकड़ा गया है। ये भागने की फिराक में था, इसी दौरान पब्लिक ने इसको देख लिया क्योंकि इसका फोटो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो गया था। पब्लिक को इसकी जानकारी हुई और पब्लिक ने इसको पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस इसको ले गई है बदायूं में और बदायूं में इसकी पूछताछ की जा रही है। तो अब यह है कि पहले एक जो इसका भाई था साजिद, वो तो इनकाउंटर में मारा गया था, लेकिन जो दूसरा आरोपी है आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरी पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या कहती कि तुमने उन दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या की है, जबकि तीसरा भाई उसका गंभीर घायल हो गया था। तो फिलहाल इस वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अभी स्थिति क्या है, अभी इसको बदायूं ले जाया गया है या फिर अभी इसको बरेली में ही रखा गया है? नूप, देखिए आपको बता दूं, बदायूं पुलिस इसको अपने साथ में ले गई है और वहां पर किसी जगह पे गुप्त स्थान पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, बताया जाता है बदायूं पुलिस लाइन में उसको ले जाया गया है, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी वहां पे SSP, DM, SP सिटी और तमाम आला अधिकारी जो है वो वहां पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। लंबी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कहीं ये सीटिंग मॉड्यूल तो नहीं है जो इस तरीके से चल रहे थे ये लोग। तो इन सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा दीजिएगा। तो बड़ी खबर अभी की यही है कि बदायूं कांड का दूसरा आरोपी जो जावेद है वो बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी को तो पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार दिया था। अब इससे पूछताछ की जाएगी, आगे की जांच के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे।